लॉकडाउन की स्थिति बहुत इस समय मैं समझता हूँ लॉकडाउन की जो स्थिति है इस समय जो डिसीजन लिया है पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, उनकी परेशानी को देखते हुए जो लॉकडाउन का समय खोला गया है, मार्केट खोला गया है। वैसे खोलना तो नहीं चाहिए था अभी जो हालात हैं, क्योंकि जब से लॉकडाउन खोला गया है पूरी मार्केट खोली गई है, चाहे जिस भी हिसाब से खोली गई है उससे हालात जो हैं और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अच्छा तो ऐसे में लोगों को क्या सेफ्टी बरतनी चाहिए, क्या रखना चाहिए? सेफ्टी मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है, जैसे मैं भी अभी मार्केट में जाता हूँ, दुकान पर जाता हूँ, देखता हूँ सब, अभी लोगों के मन में भय नहीं है कोरोना को लेकर। अभी भी लोग आपस में मिलजुल कर चल रहे हैं, बिल्कुल उनको ये उनको लग ही नहीं रहा कि हम कोरोना के इतनी गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं इस समय। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर बिल्कुल नाम मात्र के लोग, जिसे कहते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम मान रहे हैं, वरना ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ चिपट चिपट के चल रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। अच्छा, उन लोगों को क्या करना चाहिए जो ऐसा इन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन्हें सचेत होना चाहिए, और मैं तो एक आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। लोग अभी इसको कोरोना वायरस को बहुत हल्के में ले रहे हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ सभी परिवार वालों को। वो अभी यह नहीं सोच रहे कि अगर परिवार में एक भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब यह है कि उसका पूरा घर, मैं मानता हूँ पूरा घर कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, और उनको इस बात की बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि अगर हम जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने के बाद हर दूसरे आदमी को ये सोचना चाहिए कि वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, उसी हिसाब से उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए हमें। अच्छा नेताजी, एक सवाल रहेगा कि अगर ऐसा करें तो उनके तो क्या होना चाहिए? नहीं, उल्लंघन तो कोई भी नहीं कर रहा मेरे ख्याल से, काफ़ी लोग कर भी रहे हैं, काफ़ी लोग नहीं भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जैसे अब मीटिंग वगैरह होती हैं, कोई होती हैं, तो काफ़ी हम लोग तो काफ़ी हम कार्यालय में जाते हैं, हम कार्यक्रम करते हैं। आज भी हमने सैनिटाइज और मास्क वितरण करे हैं, उसमें हमने काफ़ी जो देते हुए जो लोगों के फ़ोटो दो चार खिंचवाई हैं, तो हमने काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का लागू करते हुए हमने ऐसे करके काम करा है। एक मेरा अंतिम सवाल है, आज महानगर में एक शपथ ग्रहण समारोह था, उसके बाद में जो नॉमिनेट पार्षद हैं शशि किरण, उनके द्वारा एक जुलूस निकाला गया और लॉकडाउन मतलब जो नियम थे उनका उल्लंघन किया गया, तो क्या कहना है इस पर, क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, जो आज नामित पार्षदों द्वारा शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था, जबकि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हम जो महानगर के अध्यक्ष हमारे उपस्थित रहे, कायदे में जो हमारे चार महामंत्री हैं उनको भी हमें रहना था, लेकिन हमें ऊपर से आदेश था कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगानी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, इसलिए हम चारों महामंत्री में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए जब हम लोग वहाँ उपस्थित नहीं थे तो शशि किरण जी ने जो जुलूस निकाला है उसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है या अगर आपको लगता है कि उनके द्वारा अगर ऐसा किया गया होगा, हाँ, तो क्या वो सही है? नहीं, अगर उन्होंने इस तरह से कुछ करा है तो उनको अपनी गलती माननी चाहिए, और मैं समझता हूँ संगठन की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होनी चाहिए कि जब ये सब कुछ चल रहा है तो उन्होंने ऐसा उल्लंघन क्यों किया।